देखो, इमोशन सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होते हैं। जो लोग अपनी फीलिंग्स को दिखाते हैं, असल में दुनिया के सामने अपनी कमजोरी को रखते हैं। और ये दुनिया केवल कमजोर को सिंपैथी देती है, सिंपैथी। जो सख्त है, मजबूत है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, उसको सम्मान देती है। मर्द को मजबूत दिखना चाहिए। चाहे तुम अंदर से कुछ भी हो, तुम अंदर से टूट रहे हो, लेकिन बाहर से सख्त पत्थर की तरह दिखना चाहिए। और वो दुनिया को दिखाते हैं वो किसी से कम नहीं। अपने आप को मजबूत बनाओ, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारे पीछे चलेगी। पावर उसी के हाथ में होती है जिसने अपने इमोशंस को दबा रखा है, और वो दुनिया के सामने दिखाते हैं कि वो कितने मजबूत हैं। सिंपैथी से कुछ नहीं मिलता, सिंपैथी केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। लेकिन एडमिरेशन और पावर तुमको ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। मर्द बने रहने के लिए अपने अंदर के इमोशंस को दबा के रखो और दुनिया के सामने मजबूत बन के दिखाओ। बस यही सच है। सो टफ एन अप, द वर्ल्ड नीड्स टू टफ हीरोज। दुनिया में कमजोरों की लाइन लगी पड़ी है, लाइन। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए हम जैसे लोग चाहिए जो केवल लोहा हो, लोहा। पर हां, एक सीक्रेट बताऊं, इस लोहे को मोम केवल एक ही चीज बना सकती है, वो है मेरे भाई। क्योंकि उनके सामने मेरी एक नहीं चलती है, क्योंकि उनके एक आवाज पर मैं पूरी दुनिया को लाके खड़ा कर सकता हूं, या फिर यूं कहें वही मेरी दुनिया है। माँ छोड़ के चली गई बचपन में, जब हम छोटे थे, तब से मैं इनकी मां बन गया हूं। और तब से एक चीज की कमी इनको नहीं होने दी है मैंने। इन्होंने जो चाहा, जब चाहा, मैंने वो दिया। पैसा, आजादी, गिफ्ट, सब कुछ। ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। मैंने कहा ना कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। अगर दर्द होगा भी तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि माधव ने एक ही डिग्री हासिल की है, MHE, मैन हाइड इमोशंस। और जो जख्म है वो मेरे अपने हैं। वो क्या कहते हैं, नॉट फॉर PD, पब्लिक डिस्प्ले।